Hello students, now I am teaching you maths of class 4. Student, your question is write the successor. Successor means plus 1. किसी भी नंबर में अगर हम प्लस 1 करें तो क्या आंसर आएगा? It means next digit आ जाएगी counting के according, उसकी next digit आ जाएगी. तो 6 डिजिट के नंबर में हम सक्सेसर कैसे पता करें? सिंपल है, आप लास्ट के 2 डिजिट का सक्सेसर लिख देंगे. आपको पूरे डिजिट के बारे में सोचने की नहीं है जरूरत, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट का सक्सेसर लिख देंगे. लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 97. 97 का सक्सेसर क्या होता है? 98. बाकी 4 डिजिट सेम आएंगे, 7, 5, 8, 3, ये सेम आएगा. ओनली लास्ट डिजिट की हम सक्सेसर लिख देंगे, 97 का सक्सेसर 98. ठीक है, ऐसे एक मैं अलग से एग्जांपल समझाती हूँ. दिस इज 358,475. इसका सक्सेसर क्या होगा? सेम इसी तरह लास्ट 2 डिजिट का सक्सेसर लिखेंगे, रिमेनिंग 4 डिजिट आर सेम, 3, 5, 8, 4. 75 का सक्सेसर 76. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें लास्ट की 2 डिजिट का सक्सेसर लिख देना है, दैट्स इट. नाउ वी हैव 5,55,555. ठीक है, अब इसका सक्सेसर अगर हमें लिखना है तो इसमें क्या करेंगे? 4, 4 लिख देंगे सारे. ये 6, 5 है, 6, 5 की जगह 6, 4 आएंगे. नो, सो मेनी टाइम्स आप ये लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ये गलत है. इसमें भी आपको बेटा ऐसे ही लास्ट के 2 डिजिट का सक्सेसर लिखना है. बस 55 को रीड कीजिए आप, रिमेनिंग 5 सेम आएंगे, रिमेनिंग 4 डिजिट आपकी सेम आएंगी, लास्ट में 55 का सक्सेसर 56. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें आप अगर लास्ट की 2 डिजिट रीड करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट आपकी 99. 99 का सक्सेसर 100 होता है, 100 में होती है 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स नहीं आ सकती. हमने 2 डिजिट्स की जगह 2 डिजिट लिखी, 2 डिजिट की जगह 2 डिजिट लिखी है. यहाँ पे 2 डिजिट्स की 99 की जगह 100 नहीं लिख सकते. तो जब भी 9, 9, 9 होंगे लास्ट में तो हमें इतनी डिजिट्स रीड करनी पड़ेगी, जितने 9 है वो और उनके साथ में एक डिजिट और, हमें इतना रीड करना होगा. सिर्फ 2 डिजिट नहीं रीड करेंगे. ठीक है ना, 4,999 है ये, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 6 और 3 सेम आएंगे, 4,999 का सक्सेसर 5,000. ठीक है, तो अभी भी लास्ट में 9 होंगे, तो आप 9 से आगे वाली डिजिट्स तक रीड करेंगे और हम उसका सक्सेसर लिखेंगे. ठीक है, ऐसे ही अब इसमें भी हम 2 डिजिट्स का सक्सेसर लिखते हैं, 2 0 की जगह क्या आएगा? 0 1. 7, 2, 0, 0, लास्ट में 0 1 आ जाएगा. ठीक है, वी नो दैट सक्सेसर ऑफ 0 इज 1, वी जस्ट राइट 1. ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन सो मेनी 9s आर देयर, तो व्हाट वी डू, वी नीड होल द नंबर, हमें ये पूरा नंबर रीड करना पड़ेगा. तो 8 का सक्सेसर क्या होता है? 9, और ये सारे 9 आपके 0 हो जाने हैं. ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया था, 4 का सक्सेसर 5 लिख दिया था और सारे 9 आपके 0 बन गए थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. ठीक है,
बाकी 899 का सक्सेसर क्या होगा? 0900। 499 का सक्सेसर क्या होगा? 500। ऐसे लर्न कर लीजिए, ठीक है? डोंट डू एनी मिस्टेक्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडिसेसर्स। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रीडिसेसर। इसमें भी सक्सेसर की ही तरह आपको लास्ट की टू डिजिट्स का प्रीडिसेसर लिख देना, ठीक है? नाउ दिस नंबर हैज 93। आपकी रिमेनिंग फोर डिजिट सेम आएंगी। 93 का प्रीडिसेसर 92, ठीक है? नाउ इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा? 1,64,711। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? सेम इसी तरह हम लास्ट की टू डिजिट्स का प्रीडिसेसर लिख देंगे, रिमेनिंग फोर डिजिट सेम आएंगी। 11 का प्रीडिसेसर 10, ठीक है? नाउ 00 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 00 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर उसके पहले वाले डिजिट्स का काउंट करेंगे, सॉरी रीड करेंगे। हम इस 6000 को रीड करेंगे, ठीक है? 6000 का प्रीडिसेसर 5999। 8000 का प्रीडिसेसर 7999। 5000 का प्रीडिसेसर 4999। अगर हम इसके जीरो बढ़ा दें तो कुछ नहीं होगा, 7,99,999। जीरो अगर बढ़ जाएंगी तो आपके 9 भी बढ़ जाएंगे, ठीक है? मतलब 8 लाख का प्रीडिसेसर क्या होगा? 7,99,999, ठीक है? ऐसे इसका भी प्रीडिसेसर क्या होगा? 4,99,999, ठीक है? नाउ अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 32 स्टूडेंट सेम आएगा, 3 और 2 सेम आएंगे, 6,5,900। नाउ दिस इज योर 3,25,999, ठीक है? आप प्रीडिसेसर लिखते समय बस इतनी ही डिजिट रीड करेंगे, 3 और 2 आपका सेम आ जाएगा। नाउ इसमें 99 का प्रीडिसेसर हमें पता है 98, रिमेनिंग डिजिट सेम आएंगी, 2, 3, 4, 9 सेम आएगा, 99 का प्रीडिसेसर 98, ठीक है? ये कैसे होगा? 2 लाख का प्रीडिसेसर क्या होगा? 1,99,999, ठीक है? 2 का हम 1 बना देंगे। आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो 00 सारे आपके 9 बन जाएंगे और 0 के लेफ्ट की डिजिट आपकी का प्रीडिसेसर आ जाएगा 1, ठीक है? अब इसमें सारे 2 का प्रीडिसेसर नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 22 का प्रोड्यूसर लिखना है हमें, बाकी सारे 2 सेम आएंगे। 22 का प्रोड्यूसर 21, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज योर प्रोड्यूसर्स। आई होप आपको काफी क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। आवर नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट द गिवन डिजिट्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलर डिजिट्स लिखते हैं। फर्स्ट हम इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट ढूंढेंगे, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले हम सारे डिजिट्स काउंट करेंगे कि सारे नंबरों में कितनी डिजिट्स है। इसमें स्टूडेंट्स देखिए
थ्री एंड थ्री सिक्स डिजिट्स है इसमें, इसमें देखिए थ्री एंड टू फाइव डिजिट्स है, तो इट मीन सिक्स डिजिट का नंबर ग्रेटर है देन दिस नंबर. दिस नंबर ऑल्सो है सिक्स डिजिट्स, इसमें फाइव डिजिट्स है, तो ये दोनों फाइव डिजिट्स के नंबर छोटे हैं, स्मॉलर है, और ये दोनों फाइव सिक्स डिजिट के नंबर ग्रेटर है. ठीक है, तो हम इन दोनों में से कौन सा बड़ा ये देखेंगे. ठीक है, इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा ये हमें देखना है, तो हम टू टू डिजिट्स करके देखेंगे. सेवन फाइव सेम एंड सेवन फाइव, उसके बाद इसमें 84 है, इसमें 81 है. ठीक है, हम टू टू डिजिट्स करके देखेंगे, दोनों में 75 है, उसके बाद इसमें 84 है, इसमें 81 है, तो इट मीन्स 84 इज ग्रेटर देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन वी राइट दिस नंबर. इस नंबर को छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं, ये दोनों ही ग्रेटर नंबर है, तो पहले ये आया तो बाद में यही आएगा, इसको छोड़ना नहीं आपको. नाउ दीस टू डिजिट्स, इन दोनों में बेटा आप टू टू डिजिट्स करके देखिए, इसमें 63 है, इसे भी 63 है, इसमें 25 है, इसे भी 25 है, एंड इन द लास्ट इसमें 8 है, इसमें 9 है. ठीक है, देन दिस नंबर इज ग्रेटर देन वी राइट दिस नंबर. ठीक है, नाउ इन दिस नंबर These numbers have only 0 and 1. तो little confused है ये, confusing है ये question. लेकिन इसमें भी आप टू टू डिजिट करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए इसमें पहले 11 है, इसमें 10 है, तो 11 is greater. पहले digits count करनी है आपको, digits देखिए आप इसमें, इसमें 6 digit है, इसमें भी 6 digit है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 digit है, सब में 6 digit है. ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग में 11 है, इसमें 10 है, देन 11 इज ग्रेटर, इसमें स्टार्टिंग में 11 है, तो दीज टू नंबर आर ग्रेटर. नेक्स्ट इसमें 10 है, तो यही दो नंबर ग्रेटर है. ठीक है, इन 11 के बाद इसमें क्या है, दो जीरो, और इसमें क्या है 10, तो ये बड़ा होगा, इसको हम लिख देंगे. ठीक है, अब ये नंबर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में पहले तो 10 है, सेम नंबर है 10, उसके बाद इसमें 01 है और इसमें 11 है. ठीक है, पहली टू डिजिट सेम है 10, उसके बाद इसमें 01 है और इसमें 11 है. Then 11 is greater. Then first we write this number and then this number. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सारी नंबर्स की डिजिट्स काउंट करनी है. जिस नंबर में कम डिजिट्स है वो स्मॉलर है, जिसमें ज्यादा डिजिट है वो उससे ग्रेटर है. ठीक है, और आपको टू टू डिजिट्स करके कंपेयर करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर. अभी रिमेम्बर डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलर होता है. ठीक है, ये नहीं भूलना है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी राइट द गिवन नंबर्स From smaller to bigger.
इसमें हम बेटा स्मॉलर से बिगर लिखते हैं. तो फर्स्ट वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर. इन डिजिट्स का आपको सेम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह आपको उनकी पहले डिजिट्स काउंट करनी है. इसमें देखिए इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें अगेन 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है. दीज टू नंबर्स हैज 6 डिजिट. दीज टू नंबर्स आर ग्रेटर, इसलिए हम ये 5 डिजिट के नंबर लेंगे. हमें स्मॉलर टू बिगर लिखना है ना, तो स्मॉलर ये दोनों नंबर स्मॉलर है. ठीक है, अब इसमें टू टू नंबर्स देखकर आप इनको कंपेयर कीजिए. स्टार्टिंग में 42 है, दोनों में सेम है. उसके बाद इसमें 39 है और इसमें 89 है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को लिखेंगे. इसमें 39 है जो छोटा है और इसमें 89 है ये बड़ा है. तो हम इस नंबर को लिखेंगे पहले. इसके बाद हम इसको लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है. नाउ इन दोनों नंबर्स में 6 डिजिट थी, तो अब हम इनको काउंट करेंगे. 42 सेम है, उसके बाद इसमें 39 है और इसमें 09 है. इसमें 39 है और इसमें 09 है. तो 09 दिस इज स्मॉलर, देन वी राइट. नाउ दिस नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ दिस नंबर हैज ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, 0 and 3. सेम इसी तरह करेंगे, पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे. इसमें 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी आपके 6 डिजिट है. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसको देख के, आप 2 डिजिट्स करके काउंट करिए, कंपेयर करिए. ठीक है, इसमें 30 है, इसमें 33 है. तो दिस इज स्मॉलर, इसमें 30 है, इसमें भी दोनों में 30 है. तो दीज टू नंबर आर स्मॉलर, इसमें भी 33 है, तो ये दोनों नंबर ही स्मॉलर है. अब 30 के बाद इसमें क्या है, 03, और इसमें क्या है, इसमें भी 03 है. ठीक है, 03 के बाद इसमें क्या है, 03, और इसमें क्या है, 30. आ रहे समझ में स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में 30 30 दोनों में सेम है, उसके बाद इसमें भी 03 है और इसमें भी 03 है, वो भी सेम है. लास्ट की 2 डिजिट्स डिफरेंट है बस, इसमें 03 है और इसमें 30 है. तो ये स्मॉलर हुई, हम इसको लिख देंगे. अब इसको लिखेंगे, आप इन्हें कंपेयर करना है. इसमें दोनों में 33 है स्टार्टिंग में, उसके बाद इसमें अगेन 33 है और इसमें 00 है. तो ये 00 वाला नंबर छोटा होगा, हम इसको लिख देंगे. अब लास्ट में ये नंबर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है. वी रिमेम्बर असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं हम नंबर्स को, और सबसे पहले आपको डिजिट्स काउंट करनी है और 2 डिजिट्स करके कंपेयर करनी है. आप 3 डिजिट्स करके भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो. ठीक है, या तो आप 3 डिजिट्स देख के कंपेयर करिए या 2 डिजिट्स देख के कंपेयर कीजिए. ठीक है, पूरा नंबर एक साथ कंपेयर मत करना, डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.